अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे मटन रोगन जोश। रोगन जोश जम्मू एंड कश्मीर की बहुत ही फेमस डिश है। इस डिश को बनाना बड़ा ही आसान है, तो चलिए इसे बनाने का सबसे पहले हम तरीके को देखते हैं। तो आप इसके लिए सबसे पहले चीज़ें नोट कर लें। हमने यहाँ पे यूज़ किया है 1/2 kg मटन का, 1/2 tablespoon ज़ीरा है हमारे पास, 1/2 tablespoon सौंफ है हमारे पास, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 लौंग ले लें, 1 इंच की जावित्री ले लें, 2 से 3 छोटी इलायची ले लें, 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च ले लें, 1 इंच की दालचीनी के टुकड़े को ले लें, 1 तेज पत्ते को ले लें। तो हमने इन सारे मसालों को अच्छे से भून के इसे ठंडा होने देना है और फिर इसका पाउडर बनाना है। और हमने यहाँ पे चाहिए है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही है हमारे पास, 1 छोटी चम्मच नमक ले लें, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर को ले लें, 1/4 teaspoon पेपर ले लें। तो चले हम इसे बनाने का प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस पैन को गर्म करना है। जैसे ये गर्म हो जाए हम इसमें साबुत मसाले डाल दें और इन्हें हमने अच्छे से भूनना है, तब तक कि जब तक कि इससे सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। एक बार ये अच्छे से भून जाए फिर हम इसे किसी बर्तन में निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए यूं ही छोड़ दें। सबसे पहले हम कुकर में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करें। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाए हम इसमें मटन ऐड कर दें। जब हमें ये हल्का सा पका हुआ नज़र आने लगे तब हमने इसमें नमक और पेपर ऐड करना है। और अब हमने इन दोनों को अच्छे से साथ में फ्राई करना है। आप इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए यूं ही फ्राई करते रहे। जब हमारे मटन का कलर कुछ इस कदर हो जाए इस स्टेज में हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दें और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करें। अब जाके हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर को डालें। हमने जो मसाले को पीस कर रखा है हम उसे भी इसमें डाल दें और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करें। अब जाके हम इसमें दही ऐड कर दें। ध्यान रहे आपने दही को अच्छे से फेंट लेना है इसमें डालने से पहले। और हम इसे अब अच्छे से भूनेंगे। हमने इसे तब तक के भूनना है जब तक कि हमें इसमें ऑयल नज़र ना आने लगे। आप हर 1-2 मिनट में इसमें चमचे चलाते रहें। ज़रूरी नहीं है आपको चमचे इसमें कंटिन्यूस चलाना है, बस आपने इसमें ध्यान रखना है। जब हमें ऑयल इस कदर रिलीज होता हुआ नज़र आए इसका मतलब है कि हमारा जो मटन है और मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हमने इसे ढक्कन बंद करके 6 से 7 विजल्स लेने देना है। हमारे मटन ने 7 विजल्स ले लिया है। अब हम ढक्कन खोलें। आप चाहें तो इसे चेक कर लें। अगर ये ना गला हो सही से तो आप इसे 2-3 सीटियां और दे दें। हमारा जो मटन है ये बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसे हरा धनिया से गार्निश करके इसे सर्व करेंगे। हमारा मटन रोगन जोश बनकर बिल्कुल तैयार है। बड़ा ही आसान सा रेसिपी है ये। आप लोग मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक बार फिर मिलते हैं एक नई और सिंपल सी रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।